हेलो दोस्तों, मैं निशा सिंह अनाध्या फिट एंड ममास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। और आज हम बनाएंगे चाउमीन, तो जो कि मैंने बना रखा है, सुबह सुबह ही बनाया था। मेरी बेटी ने बोला था, झटपट में मैंने बनाया था रेस्टोरेंट स्टाइल का चाउमीन। रात हम बर्थडे पार्टी में गए थे तो सुबह थोड़ा हमारा लेट हो गया, लेकिन फिर भी ना ये झटपट से बन गई। मैंने बनाया कुछ भी करके, मैंने रात में नहीं रखा था, सारा कुछ मैंने सुबह किया, बिल्कुल तुरंत किया, हैंड टू हैंड किया, बिल्कुल पहले से कोई भी तैयारी नहीं थी, फिर भी फटाक से बन गया। और इधर मैंने छोटे वाले बेटे के लिए रोटी भी बनाई, ये नहीं कि सिर्फ मैंने उसके लिए चाउमीन बनाया, रोटी भी बनाई। मतलब सुबह ना आधे घंटे में सारा काम ही निपट गया। मैं चाहती हूँ कि आपके भी बच्चे अगर बोले तो आप सुबह में ये ना बोले कि बेटा आप सुबह है, हम कैसे करें, इतनी जल्दी नहीं होगा। आप भी प्लीज़ ऐसा ट्राई करें और बताएं कि झटपट में बनता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, वो तो सब्सक्राइब ज़रूर ही करें और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद। आप चलते हैं चाउमीन बनाने की। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए हम लेंगे नूडल्स। मैंने हक्का नूडल्स लिया, आप किसी भी ब्रांड का नूडल्स ले सकते हैं। उसके लिए लेंगे हम आधी पत्ता गोभी, दो प्याज मीडियम साइज के, एक शिमला मिर्च, थोड़ी लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा जीरा, सेजवान चटनी, चिली सॉस, सोया सॉस, वेनेगर, टमाटो सॉस और ये काली मिर्च पाउडर। और सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे पानी बड़े बर्तन में, और नूडल्स के लिए पानी गर्म करेंगे। पानी को बॉईल होने देंगे, क्योंकि हक्का नूडल्स पानी बॉईल होने के बाद ही सिर्फ 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए डालना है उसमें। तब तक हम इस इंग्रेडिएंट्स को काट लेंगे। और अदरक लहसुन को हम इस तरह से कूट लेंगे। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप खल में कूट सकते हैं, छोटी सी औखली में। मेरे पास औखली भी नहीं है और मेरे पास चॉपर भी नहीं है, इसलिए मैं उस प्लेट पे ही कट करती हूँ। मुझे बस बनाना है, मैं इतना नहीं सोचती ये नहीं है वो नहीं है, मैं बस। हमने सब्जियां काट ली है सारी, और इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, थोड़ा और खौलेगा। जब तक इधर पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम उधर दूसरी साइड में गैस जला के कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। हमारा पानी भी इधर उबल गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हक्का नूडल्स और गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। आपका अगर दूसरे ब्रांड का नूडल्स होना तो आप उसको डाल के 70-80% तक इसी वक्त पका ले, और बंद करके उसी वक्त उसमें एक चम्मच नमक डाल। हमने उसमें एक चम्मच नमक डाल के छोड़ दिया है, और पानी ना बॉईल करने टाइम भर के डालें, ये नहीं कि आपका पानी कम हो और वो चिपचिपा हो जाए, बिल्कुल फ्री से उसमें उबल सके इतना पानी डालें। देखते हैं, ये देखिए हमारा नूडल्स 70-80% पक चुका है, तो अब इसको हम ठंडे पानी से खूब धोएंगे। आप ये प्रोसेस पहले भी करके रख सकते हैं, आप पहले भी ये बॉईल करके धुल के रख सकते हैं और बाद में बना सकते हैं। मुझे अभी बनाना है, अभी बच्चे ने बोला तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ। आप इसको बॉईल करके धुल के ऑयल की ग्रीसिंग करके पहले से भी रख सकते हैं, आधे एक घंटे पहले से भी।
खूब सारे ठंडे पानी से हमने इसको धुल लिया है, तो अब हम इसको निकाल छान के निकाल लेंगे पानी से बिल्कुल, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तुरंत बनाएंगे ना, इसलिए ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। आप अपने हिसाब से दें कम या ज़्यादा, मुझे थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा पसंद है तो मैं ज़्यादा दे रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का ये कूटा हुआ, फिर प्याज चटनी चॉप किए हुए, और इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इसको थोड़ी देर ही भूनना है हल्का सा, बस इसके कलर चेंज होने तक। इसका कलर हल्का पिंक हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, इसको भी एक मिनट भून लेंगे। अगर आपको इसमें गाजर भी डालना हो तो आप शिमला मिर्च से पहले उसको प्याज के बाद गाजर को ही डालें, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको भूने, लो फ्लेम पे ना भूने। तो हमने इसको एक मिनट तक भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी, बिल्कुल हाई फ्लेम ही रखेंगे, मीडियम या लो नहीं करेंगे। इसको भी अच्छे से एक मिनट तक भूनेंगे हाई फ्लेम पर। मैंने हाई फ्लेम पर इसको 2.5 से 3 मिनट भून लिया है तो हम इसमें डालेंगे विनेगर, एक ढक्कन, और इसको चलाएंगे अच्छे से। और अब डालेंगे सोया सॉस 2 ढक्कन के करीब, चिली सॉस भी 2 ढक्कन के करीब। मैं अंदाजे से दे रही हूँ क्योंकि ख़त्म पर ही है। थोड़ी सेजवान चटनी अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, 2 चम्मच सेजवान चटनी, और थोड़ा टमाटो केचप 2 चम्मच के करीब, बड़े वाले चम्मच से। और अब हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हक्का नूडल्स, डालेंगे हक्का नूडल्स, और इसको जल्दी जल्दी अच्छे से चलाएंगे बिना रुके, अच्छे से चलाना है। चाउमीन तैयार है तो अब हम डालेंगे इसमें 2 चुटकी काली मिर्च के पाउडर, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमारा चाउमीन बनके तैयार है, हमने गैस बंद कर दिया है, तो देखें, देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और मैंने इसको झटपट में बनाया है बच्चों के लिए।